प्रश्न एक, लेखक भदंत आनंद कौसल्यान के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर प्रकाश डालिए। उत्तर, भदंत आनंद कौसल्यान का जन्म सन 1905 में पंजाब के अंबाला जिले के सुहानौ गांव में हुआ था। बचपन का नाम हरदास था। हिंदी सेवक कौसल्यान जी बौद्ध भिक्षु थे। उन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में जीवन समर्पित कर दिया। उनकी पुस्तकें भिक्षु के पत्र, जो भूल न सका, हा ऐसी दरिद्रता, बहानेबाजी, यदि बाबा न होते, रेल का टिकट, कहां क्या देखा आदि प्रमुख हैं। उन्होंने हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग और राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा के माध्यम से देश विदेश में हिंदी के प्रचार प्रसार का महत्वपूर्ण कार्य किया। सरल सहज बोलचाल की भाषा में लिखे उनके निबंध, संस्मरण यात्रा और वृतांत काफी चर्चित रहे। वे गांधी जी के साथ लंबे अरसे तक वर्धा में रहे। 1988 में उनका निधन हो गया।